नमस्कार, मैं मनोज लांबा एक बार फिर हाजिर हूं आपके समक्ष इस हफ्ते के वीकली बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स के साथ। 12 मई 2020 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड-19 के चलते देश को अपना 5वां संबोधन किया। इस संबोधन के जरिए उन्होंने कुछ बहुत ही सकारात्मक भाषण दिया और जनता को काफ़ी सारे आह्वान किए, और जो सबसे बड़ा थीम था उनके भाषण का वो था आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी सारी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कोविड-19 की इस आपदा के समय को हमें अवसर में बदलना है। 21वीं सदी भारत की होगी, ये सिर्फ एक सपना नहीं है, अब ये हकीकत होगा। और इसे हकीकत बनाने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, जो भारतीय जीडीपी का लगभग 10% है। जी हाँ, इतना बड़ा पैकेज पहले कभी नहीं आया, और उम्मीद जताई जा रही है इस पैकेज के जरिए भारत आत्मनिर्भर बनने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा इस पैकेज में हब के लिए कुछ ना कुछ होगा, लैंड, लेबर, लॉस, लिक्विडिटी, और इसमें हम अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अर्थव्यवस्था के पांचों स्तंभों पर, पांचों पिलर्स पर काम करेंगे, जो हैं इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस, डिमांड टू इंडिया। और इसके अलावा उन्होंने बात की कि लॉकडाउन अभी और आगे चलेगा और लॉकडाउन 4 भारत में आएगा, जो 18 मई 2020 से पूर्ण भारतवर्ष पे एप्लीकेबल होगा, लेकिन ये लॉकडाउन नए रंग रूप वाला होगा। उन्होंने कहा इस 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को लेके हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी प्रेस रिलीज जारी करेंगी और जनता को बताएंगी कि किस सेक्टर के लिए क्या क्या घोषणाएं की गई हैं। और इसी मुहिम को, इसी ऑर्डर को आगे बढ़ाते हुए हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 5 प्रेस रिलीज के जरिए, 5 दिन लगातार प्रेस रिलीज करके मीडिया को, जनता को ये बताया कि ये 20 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज आया है इसे किस प्रकार से बांटा गया है। इसमें सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ है, चाहे वो मध्यम वर्ग है, चाहे हमारे MSME हैं, चाहे माइग्रेंट लेबर है, चाहे हमारे मछुआरे हैं, चाहे हमारे छोटे किसान हैं, हर वर्ग के लिए इसमें कुछ ना कुछ आर्थिक सहायता का प्रावधान रखा गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि भारत अब आत्मनिर्भर होगा। मोदी जी ने अपने भाषण में एक और आह्वान भी किया कि भारत को लोकल प्रोडक्ट को हमने अब ग्लोबल बनाना है। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि बी लोकल बाय लोकल, बी वोकल टू दी लोकल। और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत अगर बनाना है तो MSME को आगे आना होगा, और इस SME सेक्टर के लिए माननीय FM हब ने काफ़ी बड़े ऐलान किए हैं, जिनमें से कुछ मुख्य ऐलान मैं आपके हाथ साझा कर रहा हूँ। एमरजेंसी क्रेडिट लाइन 3 लाख करोड़ रुपए की MSME के लिए शुरुआत की गई है, जिसमें MSME लोन ले पाएंगे अपने एग्जिस्टिंग लोन का 20%, और ये लोन ऑटोमेटिक लोन होंगे और ये स्कीम 31 अक्टूबर तक एप्लीकेबल रहेगी। इसलिए इसके साथ साथ एग्जिस्टिंग MSME को तो बचाने का प्रयत्न किया ही गया है, साथ ही साथ जो MSME स्ट्रेस्ड में हैं उनके लिए भी 20,000 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया गया है। नए MSME को इक्विटी प्रदान करने के लिए फंड्स ऑफ फंड्स, जो मदर एंड डॉटर फंड्स के रूप में होगा, 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा सबसे बड़ा बदलाव जो SME सेक्टर के लिए आया है वो है MSME की परिभाषा को ही बदल दिया गया है। काफ़ी समय से देश में डिमांड थी कि अगर MSME को बढ़ावा देना है, MSME को आगे लेके जाना है, तो उसकी परिभाषा को बदलना चाहिए। सरकार ने उनकी मांग स्वीकारते हुए अब MSME की परिभाषा बदल दी है। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में किसी प्रकार की कोई डिस्टिंक्शन नहीं रहेगी, दोनों एक प्रकार मानी जाएगी। साथ साथ MSME क्राइटेरिया को डिसाइड करते हुए अब प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट के अलावा
टर्नओवर को भी कंसीडर किया जाएगा और दोनों की लिमिट को सब्सटेंशली इंक्रीज किया गया है। 100 करोड़ की सेल करने वाले यूनिट भी अब एमएसएमई के दायरे में आएंगे। इसके अलावा एमएसएमई को फर्दर बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ई लिंकेजेस देने की बात की है, ई प्लेटफॉर्म बनाने की बात की है, जिसमें अब ट्रेड फेयर और एग्जीबिशंस तो संभव नहीं हो पा रहे हैं कोविड-19 के कारण। जो एमएसएमई अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, जनता को प्रदर्शित करना चाहते हैं, वो इन ई माध्यमों के माध्यम से इसे दिखा पाएंगे। इसके अलावा सरकार ने एमएसएमई को और मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव किया है कि 200 करोड़ रुपए तक के सभी सरकारी टेंडर अब ग्लोबल नहीं होंगे। 200 करोड़ से नीचे के जितने भी ऑर्डर हैं उसमें केवल और केवल एमएसएमई ही पार्टिसिपेट कर पाएंगी। इसके अलावा मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं कि कुछ बड़े बदलाव टैक्स को लेकर किए गए हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण बदलाव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लिक्विडिटी प्रदान करने के लिए छोटे उद्योगों को सरकार ने सभी प्रकार की टीडीएस जो सैलरी के अलावा हैं उन पर 25% की टैक्स डिडक्शन की छूट दे रही है। यानी जिस आइटम पर या जिस ट्रांजेक्शन पे पहले 10% टीडीएस डिडक्शन होता था, अब वो 25% रिड्यूस होके 7.5% के हिसाब से होगा और यह छूट केवल इसी वित्तीय वर्ष के लिए एप्लीकेबल होगी। इससे उद्योगों को, छोटे लोगों को 50,000 करोड़ रुपए की अधिक लिक्विडिटी मिलने की संभावना है। इस साल की इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा को भी 31 जुलाई और 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है। टैक्स ऑडिट की समय सीमा को बढ़ाते हुए भी सरकार ने 31 अक्टूबर की समय सीमा को 30 नवंबर 2020 कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने विवाद से विश्वास स्कीम लेके आई थी, जिसे लेके सरकार काफी अस्वस्थ थी, लेकिन कोविड-19 ने सरकार की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सरकार ने इसकी समय सीमा को एक बार पुनः बनाने का निर्णय लेते हुए इस स्कीम को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया है और ऐसी दशा में आपको कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान भी नहीं करना होगा। एक और राहत देते हुए छोटे उद्योगों को सरकार ने कहा है, जितने भी पेंडिंग इनकम टैक्स रिफंड हैं वो इमीडिएटली रिलीज किए जाएंगे। सिर्फ कॉर्पोरेट्स को छोड़ के किसी प्रकार के भी कोई रिफंड हैं वो इमीडिएट आ जाएंगे, कॉर्पोरेट को इस दायरे से बाहर रखा गया है। इसी तरह की सेम राहत अपने डिपार्टमेंटल अधिकारियों को देते हुए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हुए स्क्रूटनी में जो केस लेने की समय सीमा है उसको भी बढ़ाने का सरकार ने इन प्रावधानों के जरिए घोषणा की है। इसके अलावा सरकार ने कुछ और बदलाव किए हैं जिससे कि उद्योगों को लिक्विडिटी मिल सके। इसमें ईपीएफ को लेके घोषणा आई है। पहले सरकार ने कहा था कि ईपीएफ का जो 12% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और 12% कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है वो 3 महीने तक एलिजिबल इंटरप्राइजेस के केस में सरकार कंट्रीब्यूट करेगी। ये घोषणा पहले जो रिलीफ पैकेज आया था उसके दौरान थी कि मार्च, अप्रैल और मई 20 के तक कंट्रीब्यूशन सरकार देगी एलिजिबल एस्टैब्लिशमेंट के लिए। इस समय सीमा को अब 3 महीने और बढ़ाते हुए सरकार ने कहा है कि जून, जुलाई और अगस्त 2020 के टैक्स का भुगतान भी हम ही करेंगे। इसके अलावा सरकार ने ईपीएफ में जो 12% की कंट्रीब्यूशन की सीमा थी उसे भी अगले 3 महीने तक घटाते हुए 10% कर दिया है। जी हाँ, अब आपको 12% की जगह 10% इसमें कंट्रीब्यूट करना होगा। इसके अलावा सरकार ने पावर सेक्टर को एक बड़ी राहत देते हुए कहा है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं जिन्हें शॉर्ट में हम डिस्कॉम भी कहते हैं, उनके लिए 90,000 करोड़ की एक वित्तीय सहायता लेकर सरकार आई है, जिससे कि वो पावर जनरेशन कंपनियों की जो बकाया राशि है वो समय पर भुगतान कर सकें और बिजली के वितरण की सप्लाई को सामान्य रूप से जारी रखा जा सके। रियल्टी सेक्टर को भी सरकार ने राहत देते हुए रेरा रजिस्टर्ड डीलर या बिल्डर जितने भी हैं उनकी जितनी भी डेडलाइंस नीली अप्रोच कर रही थी सभी की समय सीमा को 6 महीने बढ़ा दिया गया है। कॉन्ट्रैक्टर्स को भी सेम तरह की रिलीफ देते हुए कॉन्ट्रैक्टर्स के जितने कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे थे जहाँ बैंक गारंटी स्लैब हो रही थी, समय सीमा खत्म हो रही थी, जो सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट की समय सीमा या बैंक गारंटी देने की समय सीमा को भी 6 महीने बढ़ा दिया गया है।
अभी जो मोदी जी ने घोषणा की है कि अब हमने भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, अपने ब्रांड को लोकल से ग्लोबल बनाना है, उस घोषणा का जनता ने बड़ा ही सकारात्मक रूप दिखाया है और बहुत सी डिपार्टमेंट ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण घोषणा ये है कि अब सिर्फ मिलिट्री कंटीनों में केवल स्वदेशी प्रोडक्ट ही बेचे जाएंगे। खाद्य विकास ग्राम उद्योग ने भी इसका स्वागत करते हुए कहा है कि जो लोग स्वदेशी ब्रांड को प्रमोट करेंगे उनके लिए हम स्पेशल लोन की स्कीम लेके आ रहे हैं, जिसमें काफी अट्रैक्टिव सब्सिडी होगी। योग गुरु रामदेव ने भी इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की बात की है, जहां पर एक्सक्लूसिवली केवल स्वदेशी प्रोडक्ट ही बेचे जाएंगे और इसके लिए आपको कोई डिलीवरी कॉस्ट भी नहीं देनी होगी। और विश्व में भारत का अट्रैक्शन बढ़ सके इसके लिए एक ग्लोबल पिच तैयार करने की भी बात हो रही है, जिसमें पूरे विदेश को एक यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, जिससे कि विदेशी इन्वेस्टर्स को भारत की तरफ आकर्षित किया जा सके। एग्रीकल्चर सेक्टर्स को भी काफी सारे रिलीफ दिए गए हैं। वन कार्ड वन राशन कार्ड वन नेशन की भी बात हो रही है, वन नेशन वन राशन कार्ड की भी बात हो रही है, और सरकार ने ये कहा है कि पूर्ण भारतवर्ष में यह व्यवस्था 1 अगस्त 2020 से एप्लीकेबल होगी। इसके अलावा कल की जो 5वीं प्रेस रिलीज आई उसमें सरकार ने डिफरेंट सेक्टर्स के लिए डिफरेंट रिलीफ पैकेज लेके आई, जिसमें से मेन रिलीफ मिलने वाले पैकेज में हैं कोल, माइंस एंड मिनरल, डिफेंस, एविएशन, पावर, एजुकेशन एंड सम अदर सेक्टर्स। एजुकेशन सेक्टर में आज बच्चे स्ट्रेस में हैं क्योंकि कोविड-19 की वजह से स्कूल बंद हैं। ऐसे में सरकार ने ई लर्निंग को प्रोत्साहन देने के लिए, ई एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 12 नए डेडिकेटेड चैनल लॉन्च करने की बात कही है, और ये 12 के 12 चैनल क्लास वाइज होंगे। हर एक क्लास के लिए एक डेडिकेटेड चैनल अलग होगा, क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक ये प्रावधान है। इसी के साथ साथ सरकार ने ई पाठशाला में 200 नई टेक्स्ट बुक जोड़ने का भी लक्ष्य रखा है। इसके अलावा एक बड़ी खास की खबर ये आ रही है, कोल सेक्टर पे पहले गवर्नमेंट की मनोपली थी, गवर्नमेंट की मनोपली को खत्म करते हुए सरकार ने इस पे अपनी मनोपली हटा ली है, अब कोल सेक्टर भी पूर्णतः प्राइवेट रहेगा। आज की खबरें आपको लिए लाभप्रद रही होंगी। इस फाइनेंशियल जगत की खबरों से आपको आपके व्यवसाय में किसी प्रकार का कोई ना कोई लाभ जरूर मिल रहा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तब तक आप देखते रहिए और बने रहिए टेक्स ऑफ वेल्थ पर। मनोज लांबा के साथ नमस्कार।